वेलकम बैक टू माई चैनल और मेरा नाम है कल्पना चौधरी एंड जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनका स्वागत है। तो गाइज सिंपल सी बात है कि आज का जो वीडियो है वो बहुत छोटा है, वो एक मिनी वीडियो होगा एंड एज यू ऑल नो कि मुझे जीन्स लेने का कितना शौक है, मतलब आई लव जीन्स। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी इतने टाइम से कि जो जीन्स मैं ले रही थी ना वो मुझे फिट ही नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अर्बेनिक से जीन्स मंगवा के देखते हैं। सो गाइस पहले तो मैंने 3 to 4 जीन्स का ऑर्डर प्लेस किया एंड वो आ भी गई, लेकिन उनका साइज मुझे बहुत टाइट था। फिर देन मैंने फिर से एक्सचेंज किया एंड यू नो फिर से रिटर्न डाल के नई जीन्स ली, तो सेम उनके साथ भी यही हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतनी जीन्स छोड़ो, देखते हैं जो भी आ जाएगी जो मुझे फिट हो जाएगी वो मैं रख लूंगी और जो मुझे फिट नहीं होगी वो मैं वापस कर दूंगी। तो गाइस इतनी सारी जीन्स में से सिर्फ 2 जीन्स मुझे फिट आई हैं, मतलब कि एक जीन्स फिर भी थोड़ी सी टाइट है, लेकिन इट्स ओके। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो पहले मैं आपको जीन्स दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इसमें है मेरी जीन्स एंड ये सिर्फ 2 जीन्स हैं अभी मेरे पास। तो गाइस सबसे पहली जो जीन्स है ना वो डिस्ट्रेस जीन्स हैं कुछ इस तरह से, एंड ये जीन्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं एंड ये मैंने 1074 रुपीज की ली है एंड इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बट ना ये स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम इन जीन्स का सिर्फ इतनी सी है कि इनकी जो लेंथ है ना वो इतनी ज्यादा लंबी नहीं है ये लेंथ में, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो मंगवाओगे जैसी जीन्स आपको चाहिए वो वैसी ही आएगी, जैसा आपको कभी कभी ना अर्बेनिक पे आपको जैसा दिखेगा वैसा नहीं भी आता है। एंड उनका साइजिंग बहुत अजीब सा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसका, लेकिन चलो ठीक है ये 1074 की है, लेकिन ये 1200 समथिंग की थी, तो मुझे पेटीएम से जब हम पेटीएम से पे करते हैं ना तो 99 रुपीज ऑफ मिलता है, और अगर 1000 से ऊपर आप कुछ भी शॉप करते हो तो 100 रुपीज ऑफ मिलता है आपको, तो मुझे 200 रुपीज ऑफ मिला, तो मुझे ये 1074 रुपीज की वाली जीन्स मिली। तो नेक्स्ट जीन्स ये लास्ट जीन्स है, मतलब 2 ही जीन्स थी मेरे पास। तो ये वाली जो जीन्स है इसको मैंने ना पैकेट में रखा क्योंकि मुझे आज ही ये मिली है, बहुत मुश्किल से, मतलब गॉड मैं क्या बताऊं। तो बात करें इसकी पैकेजिंग की तो ठीक है, मतलब अच्छी है, इसमें जिप लॉक पैकेज आता है इस तरह से और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे बहुत सा काम आ सकता है, तो इट्स नाइस। सो ये जो जीन्स है ना ये स्ट्रेट लेग जीन्स है, एज यू कैन सी सेम कलर है इन दोनों जीन्स का, मतलब थोड़ा सा डार्क है एंड थोड़ा सा लाइट है, एंड इसको तो मैंने टैग भी नहीं खोला है अभी तक, एंड ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये जीन्स तो इसको आई जाएगी लेकिन ये मुझे टाइट है, इट्स ओके क्या कर सकते हैं। सो गाइस ये जो जीन्स है ना ये मैं इसको तो मैं 2-3 बार ऑर्डर कर चुकी हूँ, इसका भी साइज है मीडियम है ये, और फिर भी मुझे थोड़ा टाइट है। इसका MRP है 1790 रुपीज, लेकिन मैंने इस जीन्स को 875 रुपीज का लिया है, यू नो ऑफ मुझे बहुत मिला है, सो या मतलब दिमाग यूज किया मैंने। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ पहन के कि मुझे कैसी लगती है एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है इस प्रोसेस में। सो मतलब क्वालिटी अच्छी है दोनों की, सो आई एम हैप्पी, बट चलो पहले देख लो।
सो गाइस जब मैंने अर्बेनिक से ऑर्डर किया, प्लेस किया, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मतलब 12-15 दिन में आ जाएगा ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा ऑर्डर सोलन तक पहुंच गया था. मैं शिमला हिमाचल से हूँ, तो मेरा ऑर्डर शिमला तक सोलन तक पहुंच गया था. लेकिन अचानक से मैंने एक दिन के बाद देखा मेरा ऑर्डर गुवाहाटी पहुंच गया है. मतलब वहाँ पे दिखाते हैं ना कि आपका ऑर्डर कहाँ है. तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की अर्बेनिक से. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें कॉन्टेक्ट कर ही नहीं सकते हैं. तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैंने वेट किया, 23 डेज हो गए, मेरा ऑर्डर नहीं आया. फिर 25th डे पे मेरा ऑर्डर आ गया. तो मैंने देखा तो उसका जो यू नो मटेरियल बहुत अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी जीन्स. लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि जो जीन्स थी ना वो बहुत टाइट थी मुझे. मतलब वो मैं पहन ही नहीं सकती थी. जो ये वाला साइज है मीडियम है, एंड ये मुझे फिर भी आ गया है. मैं थोड़ा सा टाइट है, बट इट्स ओके. गर्मियों में चल पड़ेगा, सर्दियों में थोड़ा मुश्किल है. एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है कि इनके जो साइजिंग है ना, ये बहुत बड़ा इशू है यार. मतलब समझ नहीं आ रहा, एक जीन का कुछ साइज है, कुछ मतलब क्या बोलूं मैं, छोड़ो. तो जो मेरी रिप्ड वाली जीन्स है वो है एक्सेस, देख रहे हो, उसका 26 है यू नो वेस्ट. एंड वो मुझे बिल्कुल टाइट नहीं है, वो मुझे परफेक्ट नॉर्मल है ना, जैसा होना चाहिए. बट ये यार 28.3 जो भी सेंटीमीटर इंचेस जिसमें भी होता ही है वो है. तो ये मुझे फिर भी थोड़ी सी टाइट है, तो मैं शॉक हूँ कि मतलब क्या है. तो अभी मैंने फिर से जब इसको प्लेस किया, उसको रिटर्न करा के, इसमें एक्सचेंज का नहीं होता, इसमें रिटर्न कराना पड़ता है. तो जब मैंने उसको रिटर्न कराया तो तब मुझे 7-8 डेज में मेरी जीन्स मिल गई परफेक्टली. बट उससे पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. एंड अगर आपको जीन्स लेनी है तो सोच समझ के लेना अर्बेनिक से. क्वालिटी बहुत अच्छी है जीन्स की, बहुत अच्छी जीन्स आती है. मैं नहीं कह रही बुरी आएगी, लेकिन अगर आप इंतजार कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज एज योर विश. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि आपको जीन्स कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब कर दो यार, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.